हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अमन लर्निंग। आज हम करने वाले हैं साइंस का चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी। तो आ जाइए, हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। इसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे, उसकी SI यूनिट पढ़ेंगे जो कि होती है एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट एम्पियर। और व्हाट इज इट, इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, आ जाइए पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर। इलेक्ट्रिक करंट जो है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज है किसी भी कंडक्टर में। अब इसका अगर मैथमेटिक के लिए इसका इक्वेशन देखें तो I इज इक्वल टू Q अपॉन T होता है। I यहाँ पे जो कि एम्पियर है, मतलब करंट है, जिसकी ऐसा यूनिट एम्पियर होती है। I से डिनोट करते हैं करंट को। और Q है नेट, Q है चार्ज और T होता है टाइम। और एक्सपेरिमेंटली देखें तो ये मीजर बाय एमीटर, इसको एमीटर से मेजर किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट को। और हाउ इज इट कनेक्टेड, इसको एमीटर को कनेक्ट कैसे किया जाता है ये भी हम पढ़ेंगे। तो ऑलवेज इन सीरीज, एमीटर का जो है हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है जो कि करंट को मीजर करता है। और व्हाट इज अ सर्किट, सर्किट इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ कंटिन्यूस एंड क्लोज पैथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक सर्किट जो है सर्किट जो है कंटिन्यूस और क्लोज पैथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट है। अब उसके बाद डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो इन करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो इन सर्किट, कैसे करंट कैसे फ्लो हो रहा है सर्किट में। पोजिशन टर्मिनल ऑफ द सेल टू द निगेटिव टर्मिनल, जैसे कि कोई वो है, कोई मान लिया कि ये हमारी बैटरी है, तो बैटरी का जो ये होता है पॉजिटिव और ये होता है नेगेटिव। तो करंट कैसे फ्लो करेगा, तो करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरह करंट फ्लो करता है, ठीक है। अब देखते हैं कि I इज इक्वल टू क्यू टू क्यू वेयर। यहाँ पे जो है Q इज नेट चार्ज, Q नेट चार्ज है दैट फ्लोज अक्रॉस क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन अ टाइम। तो यहाँ पे जो Q जो है वो नेट चार्ज है जो फ्लो हो रहा है किसी भी क्रॉस सेक्शन किसी भी कंडक्टर में और इन टाइम, जिस टाइम में हो रहा है इन टाइम। अब हम देखते हैं चार्ज क्या होता है। चार्ज तो हम देखेंगे चार्ज इज अ फंडामेंटल पार्टिकल इन एन एटम, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। चार्ज जो है एक फंडामेंटल पार्टिकल है किसी भी एटम में, और ये या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, लाइक चार्ज जो होता है एक दूसरे को रिपेल कर देता है, मतलब कि दूर भगा देता है। अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, और अनलाइक चार्ज जो होता है एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, जैसे कि प्लस प्लस रिपेल करेगा और प्लस माइनस अट्रैक्ट करेगा, या फिर माइनस माइनस भी रिपेल करेगा माइनस माइनस। कोलम्ब जो होता है सी, ये SI यूनिट ऑफ चार्ज है, SI यूनिट ऑफ चार्ज कोलम्ब। तो एक कोलम्ब चार्ज इज इक्वल टू चार्ज प्रेजेंट ऑन अप्रोक्स 6×10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स। एक कॉलम चार्ज जो होता है वो होता है चार्ज प्रेजेंट ऑन अप्रोक्स 6×10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है एक कॉलम चार्ज। और चार्ज ऑन एक इलेक्ट्रॉन होता है निगेटिव चार्ज ऑफ 1.6×10⁻¹⁹ कॉलम्ब। और वहीं जो चार्ज वन इलेक्ट्रॉन होता है निगेटिव चार्ज ऑफ 1.6×10⁻¹⁹ कॉलम्ब। और Q इज इक्वल टू Ne होता है नेट चार्ज इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जहाँ पे Q है नेट चार्ज है टोटल, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और E है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब हम देखते हैं करंट क्या होता है। करंट होता है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन इज कॉल्ड करंट। करंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। रेट किसी भी टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है उसको कहते हैं करंट। तो करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, A से डिनोट करते हैं।
वन ए इज इक्वल टू वन कोलम्ब पर सेकेंड और वन मिली एम्पियर इज इक्वल टू टेन टू द पावर माइनस थ्री एम्पियर और वन यू एम्पियर इज इक्वल टू टेन टू द पावर माइनस सिक्स एम्पियर. करंट इज मेजर्ड बाय एमीटर, इट्स सिंबल इज ए प्लस माइनस. ठीक है, ये है इसका सिंबल एमीटर का. एमीटर हैज लो रेसिस्टेंट एंड ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज. और एमीटर की जो है रेसिस्टेंस बहुत लो होती है, हमेशा इसको क्या बोलते हैं सीरीज में लगाते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं एक के बाद. जैसे कि यहाँ कोई बल्ब लगाई हमने, बल्ब मान लेते हैं ये हमारा, तो यहाँ पे एमीटर लगाएंगे प्लस माइनस ऐसे. डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन पॉजिटिव टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एज इलेक्ट्रॉन वर नॉट नोन एट द टाइम व्हेन द फिनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाज डिस्कवर्ड. फाइंड फर्स्ट एंड करंट वाज कंसीडर्ड टू बी फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज. डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन पॉजिटिव, डायरेक्शन ऑफ करंट जो है उसको पॉजिटिव की तरफ से माना जाता है. टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज इलेक्ट्रॉन्स वर नॉट नोन at the time when the phenomenon of electricity was discovered first and current was considered to the flow of positive charge. और करंट को जो माना गया था कि वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, लेकिन बाद में पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स जो है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि तब इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर नहीं हुए थे और इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर हो गया था पहले. और करंट जो है उसको कंसिडर किया जाता है फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज से. फिर है पोटेंशियल डिफरेंस वी, वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. किसी भी एक यूनिट चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए जो वर्क लगता है उसे कहते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस. और वन वोल्ट और इसको वी से डिनोट करते हैं और वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपन क्यू. तो वन वोल्ट वन वन जूल ऑफ वर्क इज डन इन कैरिंग वन कोलम्ब चार्ज देन पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड वन वोल्ट. अगर एक जूल वर्क डन हो कैरिंग वन कोलम्ब चार्ज तब जो है पोटेंशियल डिफरेंस होगा वन वोल्ट. ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट वी से नोट करते हैं. वन वोल्ट इज इक्वल टू वन जूल पर कोलम्ब. वन वोल्ट इज इक्वल टू वन जूल पर कोलम्ब. वन वोल्ट यहाँ पे भी वही है, वन वन जूल इज वर्क डन इन कैरिंग वन कोलम्ब चार्ज देन पोटेंशियल डिफरेंस इज वन वोल्ट, सेम ही है. वोल्टमीटर इंस्ट्रूमेंट टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस. वोल्टमीटर इंस्ट्रूमेंट है किसी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए. इट हैज हाई रेसिस्टेंस एंड ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल. सिंबल इज दिस. वोल्टमीटर की जो है रेसिस्टेंस हाई होती है और इसको हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है, कभी भी सीरीज में नहीं लगाया जाता. सेल इज द सिंपलेस्ट डिवाइस टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस. सेल जो है सबसे सिंपल डिवाइस है पोटेंशियल डिफरेंस मेजर मेंटेन करने के लिए. करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. करंट जो है हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फॉलो करता है. अब सिंबल ऑफ सम कॉमनली यूज्ड कंपोनेंट्स इन सर्किट. यहाँ पे हमें कुछ सिंबल दिए हुए हैं जो कॉमन यूज किए जाते हैं. तो इलेक्ट्रिक सेल को हम ऐसे डिनोट करते हैं, बैटरी को दो तीन सेल को जोड़ देते हैं, की ओपन को ऐसे डिनोट करते हैं, की क्लोज को ऐसे डिनोट करते हैं, वायर ज्वाइंट हो तो ऐसे डिनोट करते हैं, उसके बाद वायर क्रॉसिंग बिना जुड़े जब क्रॉसिंग हो वायर की तो ऐसे डिनोट करते हैं. इलेक्ट्रिक बल्ब ये है, रेसिस्टेंस रियोस्टेट आगे पढ़ेंगे क्या होता है, और एमीटर का तो हमने देखा भी था ऐसे डिनोट करते हैं, और वोल्टमीटर को ऐसे. अब है ओम्स लॉ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू पॉइंट ऑफ अ मेटेलिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग थ्रू द सर्किट प्रोवाइडेड दैट टेम्परेचर रिमेंस कॉन्स्टेंट. अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें टेम्परेचर को, और तब जो है पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी मेटलिक कंडक्टर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के जो वहां से उस कंडक्टर से पास हो रहा है.
और वो सिटी में कांस्टेंट टेम्परेचर पे, और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर ओम्स लॉ है वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, और हम जानते हैं कि प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो कोई कांस्टेंट लगता है, तो यहाँ वी इज इक्वल टू आई आर को प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो आई आर कांस्टेंट लगता है, और आर जो है आर इज ए कांस्टेंट कॉल्ड रेसिस्टेंस फॉर अ गिवन मेटल। आर जो यहाँ पे है वो रेसिस्टेंस है किसी भी गिवन मेटल के लिए। अब हम देखेंगे वी आई ग्राफ फॉर ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के लिए जो वी आई ग्राफ होता है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस लेते हैं वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे करंट लेते हैं आई, और इसकी जो ग्राफ बनती है वो ओरिजिन से सीधा स्ट्रेट बनती है इन दोनों के बीच का, बिल्कुल एक्स और वाई एक्सिस के एंगल को बिल्कुल बाइसेक्ट करती है स्ट्रेट। रेसिस्ट अब पढ़ रहे हैं हम रेसिस्टेंस आर से डिनोट करते हैं। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। रेसिस्टेंस जो है वो किसी भी कंडक्टर की प्रॉपर्टी है फ्लो ऑफ चार्ज को रोकने के लिए। इसको ओम से डिनोट किया जाता है और ऐसा यूनिट है ओम, ऐसा ग्रीक लेटर है ओम, इसे डिनोट कर किया जाता है। और वन ओम, एक वन ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर 1 एम्पियर, और 1 ओम जो होता है वो होता है 1 वोल्ट पर 1 एम्पियर। और वेन पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट एंड करंट थ्रू द सर्कल इज 1 एम्पियर देन रेसिस्टेंस इज 1 ओम। जब पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है और करंट जो फ्लो हो रहा है सर्किट से वो भी 1 एम्पियर है, तब जो रेसिस्टेंस होगा वो 1 ओम होगा। अब हम देखते हैं रियोस्टेट। वेरिएबल रेसिस्टेंस इज अ कंपोनेंट यूज टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग द सोर्स ऑफ वोल्टेज। वेरिएबल रेसिस्टेंस एक कंपोनेंट है जो यूज किया जाता है करंट को रेगुलेट करने के लिए, करंट के जो पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करने के लिए बिना वोल्टेज को चेंज किए, मतलब कि बिना सोर्स ऑफ वोल्टेज, बिना बैटरी को हटाए हम उसका वोल्टेज घटाया बढ़ा सकते हैं इंक्रीज। फैक्टर्स ऑन विच द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। अब हम पढ़ेंगे किस किस फैक्टर पे जो रेसिस्टेंस है कंडक्टर की डिपेंड करती है। रेसिस्टेंस ऑफ अ यूनिफॉर्म मेटलिक कंडक्टर इज, रेसिस्टेंस जो है यूनिफॉर्म मेटलिक कंडक्टर की है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर एल, ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एंड डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के भी और डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। रेसिस्टेंट की बात कर रहे हैं हम, रेसिस्टेंट। अब जो रेसिस्टिविटी है, रेसिस्टिविटी जिसको हम रो से डिनोट करते हैं, ये साइन है रो। इट इज डिफाइंड एज द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ क्यूब ऑफ मटेरियल ऑफ साइड 1 मीटर व्हेन करंट फ्लोज परपेंडिकुलर टू इट्स ऑपोजिट फेसेस। इसको रेसिस्टिविटी से को ऐसा डिफाइंड किया गया है कि रेसिस्टेंट ऑफर्ड बाय अ क्यूब ऑफ मटेरियल ऑफ साइड 1 मीटर व्हेन करंट फ्लोज परपेंडिकुलर टू अदर सरफेस इट्स अपोजिट सरफेस। अपोजिट सरफेस पे जो जब करंट फ्लो किया जाता है क्यूब के 1 सेंटीमीटर साइड के क्यूब पे, तो जो रेसिस्टेंट होता है उसको हम कहते हैं रेसिस्टिविटी रो। और इट्स एसआई यूनिट इज ओम मीटर। ओम मीटर इसकी एसआई यूनिट है। रेसिस्टिविटी डज नॉट चेंज विद चेंज इन लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बट इट चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर। रेसिस्टिविटी जो है चेंज इन रेसिस्टिविटी को हम एरिया और क्रॉस सेक्शन चेंज करके नहीं चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम अगर टेम्परेचर घटा बटा दिए तो रेसिस्टिविटी भी चेंज हो जाएगी। रेंज ऑफ रेसिस्टिविटी ऑफ मेटल एंड एलॉय इज 10^-8 to 10^-6 ओम मीटर। किसी भी रेंज मेटल और एलॉय की रेसिस्टिविटी होती है 10^-8 to 10^-6 ओम मीटर।
और रेंज ऑफ रेसिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर होती है 10 टू द पावर 12 टू 10 टू द पावर 17 ओम मीटर। और रेसिस्टिविटी ऑफ एलॉय इज जनरली हायर देन दैट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल। जो मेटल की रेसिस्टिविटी है उससे बहुत ज्यादा होती है एलॉयज की रेसिस्टिविटी। एलॉयज डू नॉट ऑक्सीडाइज, बर्न रेडिली एट हाई टेम्परेचर, सो दे आर कॉमनली यूज इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेज। इलेक्ट्रिक एलॉयज जो होते हैं वो जल्दी से ऑक्सीडाइज नहीं होते, बर्न नहीं होते किसी हाई टेम्परेचर पे भी, इसीलिए वो जो है कॉमनली यूज किए जाते हैं इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेज में, आयरन हो गया, हीटर हो गया उस समय। कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर यूज फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन्स एज दे हैव लो रेसिस्टिविटी। कॉपर और एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन में वायर्स बनाने के लिए, क्योंकि उनके पास लो रेसिस्टिविटी होती है, रेसिस्टिविटी कम होती है। अब हम पढ़ेंगे रेसिस्टर्स इन सीरीज, रेसिस्टर्स इन सीरीज। तो यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिया गया है, इसमें देख सकते हैं रेसिस्टिविटी आर वन लिया है, आर वन, आर टू और आर थ्री लिया है। तो रेसिस्टिविटी इन सीरीज क्या होता है आ जाइए हम देखते हैं। रेसिस्टिविटी इन सीरीज होता है कि जो मेन वायर जा रही है ना उसी वायर में अप्लायंसेज के साथ लगा देना रेसिस्टिविटी को, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं, व्हेन टू और मोर रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड द अरेंजमेंट इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। जब दो और दो से ज्यादा रेसिस्टर कनेक्ट होते हैं एंड टू एंड आगे पीछे एक करके, तो अरेंजमेंट इज कॉल्ड, और उस अरेंजमेंट को कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। टोटल रिजल्टेंट ओवरऑल इफेक्टिव रेसिस्टेंस इन सीरीज इज इक्वल टू टोटल रेसिस्टेंट ओवरऑल इफेक्टिव। ये सब एक ही चीज है कि मतलब कि पूरा जो है टोटल रेसिस्टेंट कितना होगा सीरीज में। तो आर एस रेसिस्टिविटी इन सीरीज होता है आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, ठीक है। करंट थ्रू ईच रेसिस्टर इज सेम, करंट जो है वो सेम होता है सभी रेसिस्टर में। इक्विवेलेंट रेसिस्टर इज लार्जर देन द लार्जेस्ट इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेसिस्टर जो होता है वो सबसे सबसे बड़ा होता है इंडिविजुअल रेसिस्टेंस से। और टोटल वोल्टेज जो होता है सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप से होता है, वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री। टोटल वोल्टेज जो होता है सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप से होता है, वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री। और वोल्टेज अक्रॉस ईच रेसिस्टर होता है, आ जाइए देखते हैं। वी वन इज इक्वल टू आई वन बाई आर वन, वी वन इज इक्वल टू आई आर वन, वी टू इज इक्वल टू आई आर टू, वी थ्री इज इक्वल टू आई आर थ्री, ठीक है। तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉर्मल V की वैल्यू जो निकालेंगे हम, तो ये यहाँ देखिए V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू V होगा, और V IR के बराबर होता है। तो V की वैल्यू आ जाएगी IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। तो IR हम यहाँ V की वैल्यू IR भी लिख सकते हैं, तो IR लिख दिया हमने, और इन तीनों में से I कॉमन ले लिया, R1 प्लस R2 प्लस R3 आ गया। I से I कट जाएगा, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आ गई हमारी ये वैल्यू यहाँ पे जो हमने पढ़ी थी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे रेसिस्टर्स इन पैरेलल, रेसिस्टर्स इन पैरेलल पैरेलल। तो यहाँ देख सकते हैं आप रेसिस्टर्स इन पैरेलल कैसे लगाते हैं, एक तो इस सीरीज में नॉर्मल सीरीज में लगा देते हैं एक, और दो तीन मतलब उसके बगल से एक वायर गुजार देते हैं और उससे लगा देते हैं, और इसमें वोल्टेज सेम रहता है, करंट बदलता रहता है। तो आ जाइए देखते हैं, वोल्टेज अक्रॉस ईच रेसिस्टर इज सेम एंड इक्वल टू द अप्लाइड वोल्टेज। वोल्टेज जो है ये सभी रेसिस्टर में सेम होगी और अप्लाइड वोल्टेज के ही बराबर होगी। टोटल करंट इज इक्वल टू सम ऑफ करंट थ्रू द इंडिविजुअल रेसिस्टेंट। टोटल करंट जो होगा वो अलग अलग इंडिविजुअल रेसिस्टेंट के सम के बराबर होगा। तो I इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री, ठीक है। तो I की वैल्यू V अपॉन R होती है, तो V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3 आ गया, ठीक है। रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंट इज इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेसिस्टेंट। रेसिप्रोकल जो होता है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंट का, वो होता है रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेसिस्टेंट के सम के बराबर। यहाँ देख सकते हैं वन अपॉन आर रेसिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंट इज लेस देन द वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेसिस्टेंट इन द कॉम्बिनेशन।
इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो है, अकेला रेसिस्टेंस जो है वो किसी भी स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेसिस्टेंस से छोटा होता है इस केस में। अब एडवांटेज देखेंगे। एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ओवर सीरीज कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या एडवांटेज है सीरीज कॉम्बिनेशन के बराबर? इन सीरीज सर्किट व्हेन वन कंपोनेंट फेल्स द सर्किट इज ब्रोकन एंड नोन ऑफ द कंपोनेंट वर्क। जब सीरीज सर्किट होता है तो एक कंपोनेंट अगर खराब हो रहा है, फेल हो रहा है, तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा और दूसरे जो कंपोनेंट है वो भी वर्क नहीं करेंगे, वो भी काम नहीं करेंगे। डिफरेंट अप्लायंसेज हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट ऑफ करंट, दिस कैन नॉट बी सेटिस्फाइड इन सीरीज एज करंट रिमेंस सेम। डिफरेंट अलग अलग जो अप्लायंसेज होते हैं, जैसे फ्रिज हो गया और एक बल्ब हो गया, तो फ्रिज को चाहिए ज़्यादा डिफरेंट फ्रिज को ज़्यादा रिक्वायरमेंट चाहिए करंट की, और बल्ब को ज़्यादा कम रिक्वायरमेंट चाहिए करंट की, तो ये सही से सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे फ्रिज और बल्ब, और इसीलिए सीरीज, क्योंकि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सीरीज में जो है करंट सेम रहता है। द टोटल रेसिस्टेंस इन अ पैरेलल सर्किट इज डिक्रीज, और जो टोटल रेसिस्टेंस होता है पैरेलल सर्किट में वो डिक्रीज कम होता है। अब हम देखेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आ जाइए देखते हैं। इफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज प्योरली रेसिस्टिव, द सोर्स ऑफ एनर्जी कंटिन्यूअली गेट डिसिपिएटेड एंटायरली इन फॉर्म ऑफ हीट। This is known as heating effect of electric current. Heating effect of electric current. इसका मतलब, इस लाइन की मतलब मैं बताऊँ आपको तो ऐसा होगा। Heat is produced due to flow of electric current. तो heat produce होती है electric current के कारण, इसका ये मतलब हुआ। तो अगर electric current purely resistive है, मतलब कि कुछ ना कुछ resistance है, और source of energy जो है continually get, और जो source of energy है उसमें से हमेशा हमेशा निकल रही है, तो वो हीट प्रोड्यूस करेगी, इन फॉर्म ऑफ हीट प्रोड्यूस करेगी, और इसी को कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एज ई हीट प्रोड्यूस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू टाइम, पी इनटू टाइम, ठीक है। दिस सप्लाइज पी वी आई, पी इज इक्वल टू वी आई, ठीक है। अब हीट प्रोड्यूस एच इज इक्वल टू वी आई टी, और हीट प्रोड्यूस एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, क्योंकि वी आई आर के बराबर होता है, तो यहाँ आई वी की वैल्यू आई आर रख दी, आई स्क्वायर आर टी हो गया, और ई जो होता है एनर्जी एच के बराबर भी होता है, तो हीट ये भी हो गया, तो एनर्जी इज इक्वल टू पी इंटू टी, ठीक है, पावर इंटू टाइम। अब हम पढ़ेंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इट स्टेट दैट द हीट प्रोड्यूस इन अ रेसिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस फॉर अ गिवन करंट, एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम फॉर विच करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर, एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, जितनी देर के लिए करंट फ्लो हो रहा है, इसीलिए हम जो होता है एच होता है आई स्क्वायर आर टी के इक्वल। ये यही बताता है कि हीट प्रोड्यूस जो रेसिस्टर में होता है, तो इसमें एच इज हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर आर और टी, तो आई एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। हीटिंग इफेक्ट इज डिजायरेबल इन डिवाइसेज लाइक इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर। हीटिंग इफेक्ट जो है डिजायरेबल है किसी भी डिवाइस में, इलेक्ट्रिक हीटर में, आयरन में, इलेक्ट्रिक बल्ब में, इलेक्ट्रिक फ्यूज में, इन सब में। हीटिंग इफेक्ट इज अनडिजायरेबल इन डिवाइसेज लाइक कंप्यूटर, कंप्यूटर मॉनिटर, सी आर टी टी वी, रेफ्रिजरेटर एक्सेट्रा। लेकिन जो हीटिंग इफेक्ट है वो कंप्यूटर्स में, कंप्यूटर मॉनिटर्स में, सी आर टी टी वी, रेफ्रिजरेटर्स में नहीं होता है। इन इलेक्ट्रिक बल्ब मोस्ट ऑफ द पावर कंज्यूम्ड बाई द फिलामेंट अपीयर्स अ हीट एंड अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट इज रेडिएटेड इट फॉर्म्स इन फॉर्म ऑफ लाइट। जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है तो ज़्यादातर जो पावर कंज्यूम हो जाता है फिलामेंट द्वारा, फिलामेंट अपीयर अ हीट और फिलामेंट पे हीट पड़ता है, ठीक है। और जो इसमें कुछ पार्ट होता है जो रेडिएटेड होता है, वो रेडिएट होके लाइट की फॉर्म में आ जाता है। फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ टंगस्टन। फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो टंगस्टन से बना होता है, क्योंकि जो
टंगस्टन जो है वो इट डज नॉट ऑक्सीडाइज रेडली एट हाई टेम्परेचर, वो हाई टेम्परेचर पे भी ऑक्सीडाइज नहीं होता। टंगस्टन एक एलॉय है और इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट 3380 डिग्री सेल्सियस, और टंगस्टन की जो मेल्टिंग पॉइंट है ये 3380 डिग्री सेल्सियस है। द बल्ब्स आर फिल्ड विद केमिकली इनएक्टिव गैसेस लाइक नाइट्रोजन एंड आर्गन टू परफॉर्म प्रोलोंग द लाइफ ऑफ फिलामेंट। बल्ब जो होते हैं उनको जो फिल किया जाता है केमिकली इनएक्टिव गैस से, मतलब कि इनर्ट गैसेस से, नाइट्रोजन और आर्गन से, ताकि जो लाइफ ऑफ फिलामेंट है, फिलामेंट की लाइफ है, वो बड़ी रहे। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्यूज। इट इज अ सेफ्टी डिवाइस दैट प्रोटेक्ट आवर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग। इलेक्ट्रिक फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है जो हमें हमारी इलेक्ट्रिक अप्लायंस को प्रोटेक्ट करता है अगर कहीं पे शॉर्ट सर्किट होता है या ओवरलोडिंग होता है तब। फ्यूज इज मेड अप ऑफ अ प्योर टिन और एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। फ्यूज जो है उसको बनाया जाता है प्योर टिन से या फिर कॉपर और टिन के एलॉय से। फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद लाइव वायर्स। फ्यूज को जो है हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है लाइव वायर्स के साथ। और फ्यूज हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, फ्यूज के लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, तो जब ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी तो वो मेल्ट हो जाएगा और सर्किट हमारा ब्रेक हो जाएगा और हमारा अप्लायंस बच जाएगा। करंट कैपेसिटी ऑफ फ्यूज इज स्लाइटली हायर देन दैट ऑफ अप्लायंस। करंट कैपेसिटी जो होगी फ्यूज की वो थोड़ी सी ज्यादा होगी किसी भी अप्लायंस की कैपेसिटी से। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड और डिसिपेटेड इन एन इलेक्ट्रिक करंट। रेट जब इलेक्ट्रिक एनर्जी जो कंज्यूम हो रही है उसका रेट किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो पी इज इक्वल टू पावर इज इक्वल टू वी आई, पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर और इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। तो ऐसा यूनिट ऑफ पावर वाट डब्ल्यू। 1 वाट इज इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी किलो वाट आवर kWh। 1 kWh इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10^6 जूल और 1 kWh इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। हमारे घर में जो बिजली के बिल आते हैं वो 1 kWh में आते हैं, 1 यूनिट 2 यूनिट ऐसे। अब हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। डिफाइन एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट को डिफाइन करना है। पोटेंशियल डिफरेंस, रेसिस्टेंस, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, आप सब करिएगा। डिफाइन द टर्म रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी टर्म को डिफाइन करना है, हमने किया है। डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग द करंट इज एमीटर। एमीटर से डिवाइस की करंट मेजर करते हैं। कुछ कुछ आंसर मैं आपको बताता जाऊंगा। नेम द एलिमेंट ऑफ फिलामेंट ऑफ अ बल्ब। फिलामेंट जो होता है बल्ब का, उसका एलिमेंट कौन सा होता है, वो होता है टंगस्टन। राइट टू टाइप्स ऑफ रेसिस्टर कॉम्बिनेशन। दो टाइप बताने हैं रेसिस्टर कॉम्बिनेशन के, तो सीरीज और पैरेलल। रेसिस्टर्स इन सीरीज, रेसिस्टर्स इन पैरेलल। हाउ द वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन सर्किट, इन अ सर्किट, ये आप ठीक है। हाउ द एमीटर इज कनेक्टेड इन अ सर्किट। Why the filament of bulb has high melting point? Because the heat produced when electric current is passed through it, it does not burn, so it heat and glow. How does fuse wire protect electrical appliances? Melting point of fuse wires are very low, and when heat excess heat is passed through it, it melts and the circuit is broken, our electrical appliances is protected. Define 1 kilowatt hour in terms of joule. Joules, yeah, yeah, in terms of joule. तो हमने किया था 3.6 × 10^6 joule होता है, यही होता है ना, आ जाइए देख लेते हैं। हाँ, 3.6 × 10^6 joule. अब हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। हमने पढ़ा था लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन,
उसके बाद टेम्परेचर और उसके बाद मटेरियल मेट। अब हम मल्टीपल क्वेश्चन देखेंगे, कुछ चॉइस क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कॉल्ड? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट का जो एसआई यूनिट होता है क्या होता है? एम्पियर। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? वोल्ट मीटर। When one unit electric charge moves from one point in an electric circuit, then the amount of work done in joules is known as electric current, electric conductance, electric resistance, potential difference. तो ये होता है electric current. एक मिनट, ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस। हमने पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस। द हिंड्रेंस प्रेजेंट बाय अ मटेरियल ऑफ कंडक्टर टू द स्मूथ पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज रेसिस्टेंस। नहीं, कंडक्टेंस आई थिंक। द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, नहीं, एक मिनट, ये तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। द पर्पस ऑफ अ रियोस्टेट इज इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट ओनली, डिक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट ओनली, इंक्रीज और डिक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ, इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। पॉइंट टू बी केप्ट इन माइंड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ इज एमीटर एंड वोल्टमीटर्स विल बी कनेक्ट, एमीटर्स विल बी कनेक्टेड इन सीरीज एंड वोल्टमीटर इन पैरेलल। हां ये सही है, एमीटर्स एंड वोल्टमीटर्स विल बी कनेक्टेड इन सीरीज शुड बी इन पैरेलल। सही है, वही सही है, बी हमारा। अ फ्यूज वायर इज इंसर्टेड इन अ लाइव वायर। ठीक है, यहां पे आंसर भी दिए गए हैं। Very short answer type question. What is electricity? What is the SI unit of electric charge? What is the SI unit of electric current? What is an electric circuit? When device is used for measuring electric current? उसके बाद an ammeter that is to a circle in which combination? Ammeter series combination में। यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, आप यही आंसर भी लिख सकते हैं। Fill in the blanks है। The nature of charge processed by an electron is the nature of charge processed by a proton. Nature of like charge processed by an electron is negative. Nature of charge processed by a proton is positive. Electric current shows the rate of flow of charge. Electric components are represented by resistor in a diagram. 1 milliampere is 1 milliampere is 10 to the power minus 3 part of 1 ampere. Right, true, false for the following. Electrons were not discovered at time of discovery of electric current. The direction of flow of electric current is same as the direction of flow of electrons. No. Electric current can flow through a closed circuit only. Electric current jo hai फ्लो करेगा क्लोज सर्किट से ही, नहीं ओपन सर्किट से ही सही पास कर सकते, नहीं हाँ क्लोज सर्किट से भी पास करेगा। इलेक्ट्रिक स्विच हेल्प्स इन ओपनिंग और क्लोजिंग अ सर्किट। हाँ सही है, ट्रू। द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू अ गिवन रेसिस्टर ऑफ रेसिस्टेंस फॉर अ कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेसिस्टर आर गिवन बिलो। प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन आई एंड वी पोटेंशियल डिफरेंस। ग्राफ बनाना है, ग्राफ तो स्ट्रेट ही होता है, हमने बताया। डिटरमाइन द रेसिस्टेंस आर ऑफ द रेसिस्टर इन द अबव केस। ठीक है, एसर्शन द फ्यूज वायर डैमेज द वेरियस अप्लायंसेज इन हाउस होल्ड कनेक्शन। फ्यूज वायर जो है डैमेज करता है, पहला ही गलत है। डिपेंडिंग ऑन द डिवाइस अप्लायंस यूज द फ्यूज वायर ऑफ प्रॉपर थिकनेस हैज टू बी यूज्ड।
ओरिजिन। इसका शायद आंसर दिया क्या? इसका आंसर नहीं दिया है शायद। आज ये देखते हैं, कोई नहीं। तो इसमें जो है, इसमें ए तो करेक्ट है, ए तो मतलब कि इनकरेक्ट है, ए इनकरेक्ट, ए इनकरेक्ट वाला तो एक ही ऑप्शन है, तो बस ए इनकरेक्ट, आर इज करेक्ट। एसर्शन, व्हेन अ करंट आई फ्लोस थ्रू अ रेसिस्टर आर, हीट प्रोड्यूस्ड, द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। हाँ ठीक है, ए इज इनकरेक्ट, बोथ ए एंड आर करेक्ट, बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, अब 3 मार्क्स वाले। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन पी आई वी, स्टेट ओम्स लॉ, ड्राइव रिलेशन बिटवीन आई वी आर एंड ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन वी एंड आई। स्टेट ग्राफ बनती है जो, व्हाट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, पी डिराइव इट्स एक्सप्रेशन, व्हाट वुड बी न्यू रेसिस्टेंस इफ लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज डबल एंड थिकनेस इज हाफ, फाइंड द इफेक्टिव रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए यह है, बी यह है, इफेक्टिव रेसिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, 3 केस है। Which is the better way to connect light and other appliances in domestic wiring and why? Better way कौन सा है light और other appliances को domestic में wire करना, connect करना, और क्यों? So how would you join 3 resistors each of resistance इतना to the equivalent resistance of the combination? इतने हम जो हमारे पास 3 resistors हैं 9 ohm के, अब उनको हम कैसे लगाएंगे? 13.5 ओम मिलेगा और 6 ओम मिलेगा, राइट? चूज लॉ ऑफ हीटिंग, टू लैंप्स, वन रेटेड 100 वोल्ट, 220 वोल्ट एंड द अदर 60 वाट, 220 वोल्ट आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई, फाइंड द करंट ड्रॉन बाय टू बल्ब्स फ्रॉम द लाइन इफ द सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट। लिस्ट द फैक्टर ऑन विच द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इन द शेप ऑफ वायर डिपेंड्स, Why are metals good conductor of electricity whereas glass is bad conductor of electricity? Give reason. Why are alloys commonly used in electrical heating devices? Give reason. ये CBSE 2018 में बोर्ड में आ चुका है। Long answer type है, 5 marks वाले। Explain the Joule's law of heating. How and on what factors does the heat produced in a conductor depends? ठीक है। In the circuit given below, calculate टोटल इफेक्टिव रेसिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम एंड 2 ओम। ठीक है, 6 वी या 6 वोल्ट। 3 resistors ऑफ 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम आर कनेक्टेड इन इलेक्ट्रिक सर्किट, फाइंड मैक्सिमम इफेक्टिव रेसिस्टेंस, मिनिमम इफेक्टिव रेसिस्टेंस। ठीक है, ऑन व्हाट फैक्टर्स द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स, गिव द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, गिव द SI यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर तो खत्म हो चुका है, लेकिन हम अब हम वर्कशीट करेंगे। वर्कशीट में ये इलेक्ट्रिसिटी है, आपको क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा होगा सही से, इलेक्ट्रिसिटी है, उसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा हमने, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा, सिम्बल्स पढ़े, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस किए हमने, यहाँ पे भी ये भी आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। फिर इलेक्ट्रिसिटी में ओम्स लॉ पढ़ा, और इन 1827 जो जॉर्ज सिमोन ओम है, जर्मन फिजिसिस्ट थे, उन्होंने ड्राइव किया था रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, और इसी रिलेशनशिप को जो कहते हैं ओम्स लॉ कहते हैं। ठीक है, तो ओम्स लॉ इन 1827 जॉर्ज सिमोन ओम, वो पढ़ा हमने, वी आई ग्राफ पढ़ा, पोटेंशियल डिफरेंस करंट पढ़ा, फिर क्वेश्चन की हमने रेसिस्टेंस पढ़ा। ठीक है, क्वेश्चन के लिए कुछ इलेक्ट्रिसिटी, रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर एट स्पेसिफिक टेम्परेचर, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ ऑफ रेसिस्टिविटी, ये सब पढ़ा हमने, फिर प्रैक्टिस किया, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर पढ़ा, रेसिस्टर इन सीरीज, रेसिस्टर इन पैरेलल पढ़ा,
कुछ क्वेश्चंस किए उससे भी रिलेटेड, ये क्वेश्चंस भी है, ये सब क्वेश्चंस भी आप प्रैक्टिस करेंगे। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, अप्लायंसेस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एप्लीकेशंस, इलेक्ट्रिक फ्यूज, रिलेशनशिप बिटवीन कमर्शियल यूनिट एंड एस यूनिट ऑफ एनर्जी। फिर प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी हो चुका है अच्छे से कंप्लीट। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, बने रहें हमारे साथ और कमेंट जरूर करें कि आपको कैसी लगी वीडियो और आप कैसी कैसी वीडियो और देखना चाहते हैं, किस किस टॉपिक पे। तब तक के लिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।